नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे सर IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का एक प्रीवियस ईयर्स का पेपर जरूर दीजिए, राइट। क्योंकि मैंने IBPS RRB PO PO प्री का लास्ट ईयर का मैथ्स का पेपर्स आपको दिया था। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं अभी आपको बता दूंगा कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे उसका आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। बस उसी के बेसिस पे आज मैंने क्लर्क प्री, राइट, IBPS RRB क्लर्क प्री ऑफिस असिस्टेंट जिसको कहते हैं, राइट, उसका मैथ का पेपर्स आपके सामने डिस्कशंस करूंगा। ओके, मैथ का पेपर है, पूरा पेपर, कंप्लीट पेपर ध्यान से देखिएगा। ओके, लास्ट ईयर्स एग्जाम्स में आया हुआ, लास्ट ईयर एग्जाम्स में जो पेपर्स आया था मेमोरी बेस्ड, सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। इसका PDF आपको कैसे मिलेगा, किस बेसिस पे आपको इसका सॉल्यूशंस मिलेगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं कोई डाउट्स हो, कहीं कोई कंफ्यूजिंग हो, नहीं समझ में आता, राइट, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। इसके लिए पेपर्स आपको इसलिए प्रोवाइड करूँ, आपने फॉर्म फिल किया है, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कंटिन्यू हैं, तो यह पेपर आप एक बार देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरी प्रैक्टिस, मेरी तैयारी किस बेसिस पे है। आप लेवल भी देख सकते हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम आपने फॉर्म फिल किया है, तो आप अपना लेवल देखिए कि मेरी जो स्टडी है, जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वह किस स्तर की है। ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, मैंने IRB PO यानी कि ऑफिसर्स स्किल्स का एक वीडियो अपलोड किया था, एक पेपर्स अपलोड किया था, राइट, जिसका पेपर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में PDF मिल जाएगा। IBPS RRB PO एक बार उसका भी लेवल देखिएगा, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो। ओके, नहीं किया है तो भी देखिएगा, अगर आपने PO नहीं, क्लर्क ओनली फॉर्म फिल किया है तो भी देखिएगा पेपर्स, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल्स इंक्रीज होते हैं, राइट। क्लर्क के और PO की आपको मालूम है डिफरेंस बहुत रहता है पेपर्स में। ओके, तो देखिएगा जरूर, आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्लर्क का फॉर्म फिल किया PO प्री का ये पेपर से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है पेपर चाहे कोई भी हो। ओके, आइए चलते हैं, मैं आपको पेपर्स दिखा देता हूँ और कैसे डाउनलोड करना है, किस बेसिस पे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कशंस करता हूँ। एंड उससे पहले, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के आपको वीडियो पेपर्स कोई भी मैं अपलोड करूं, तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा हमेशा की तरह, एंड देन शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड कराऊँ, उनको तक पहुँचे, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को नहीं मिलता, उनको पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अपने मनी पे करनी पड़ती है, राइट, कुछ पैसे पे राइट देने पड़ते हैं पेपर्स के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी देख सके, वह भी अपनी प्रैक्टिस कर सके। ओके, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई कमेंट, कोई आपका डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, लेकर चलता हूँ आपको तुरंत PDF के पेपर्स पे। ओके, देखिएगा, देखिए, ये आपके सामने पेपर्स है माय डियर फ्रेंड्स, IBPS RRB क्लर्क 2019 प्रीवियस ईयर्स मैथ मेमोरी बेस्ड पेपर्स, राइट, बहुत ही अच्छा पेपर्स हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, राइट। लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखिए, बिल्कुल क्वेश्चंस हलवा टाइप पूछता है एग्जामिनर क्लर्क प्री के एग्जाम्स में, तभी तो स्टूडेंट्स के 70-75 कट ऑफ, 73 कट ऑफ, 8 out of 80, इतनी कट ऑफ आप जाके देख सकते हैं कितनी कट ऑफ है, राइट, ओनली 47 नंबर का डिफरेंसेज है, 73 कट ऑफ, कहीं कहीं 75, कहीं कहीं स्टेट में 76, राइट, इतनी कट ऑफ जाती है, तो खुद देख सकते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, बिल्कुल हलवा टाइप है। ओके, तो यह पेपर्स आपको उसके बेसिस पे बहुत हेल्प करेगा, यहाँ प्रैक्टिस अगर आप करते हैं। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर्स आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा है, पहले 5 क्वेश्चंस आपको रॉन्ग नंबर सीरीज के हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर दीजिएगा, राइट, ये 5 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, राइट, फाइंड द रॉन्ग टर्म्स इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, यहाँ पर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज दी है, आपको फाइंड आउट करना है। ओके, एंड देन उसके बाद 6th, 7th और 8th और 9th, राइट, और 10th नंबर क्वेश्चंस, ये आपका है आपकी अर्थमेटिक मैथ के क्वेश्चंस, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को होमवर्क बना रहती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स स्किप करते हैं, राइट, तो उनकी बेसिस पे ये क्वेश्चंस भी बहुत
बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आंसर्स जरूर दीजिएगा। एंड देन उसके पास आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है 5 क्वेश्चंस, इसका भी आप आंसर्स जरूर दीजिएगा। ओके कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर इसका सॉल्यूशंस कैसे मिलेगा, आप कह रहे हैं सर आंसर दीजिएगा, वहां भी मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको, 40 क्वेश्चंस कंप्लीट, 60 से 20 क्वेश्चंस आपका एक मैंने डीआई रखा है, राइट, एक डीआई सेट है, इसके 5 क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ तक, राइट, यहाँ तक आपके 5 क्वेश्चंस हैं। एंड देन उसके बाद फिर आपकी अगेन आपकी अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं आपकी इनकी लैंग्वेज, आप कुछ स्टूडेंट्स को लैंग्वेज देखते ही कि इतना बड़ा देखते ही तुरंत स्किप कर देते हैं, सॉल्व कीजिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए पेपर है। ओके 23, राइट, ये आपका 24, ये आप 24, 25, यहाँ तक आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया, राइट। एंड देन उसके बाद आपके हैं 26 से 30, यानी कि 26 से 30, 5 क्वेश्चंस आपके मैंने आपके अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के रखे हैं, राइट, बहुत ही ईजी हैं, बिल्कुल आप विदाउट पेन एंड पेपर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ओके एंड देन उसके बाद 31 से 35 एक मैंने डीआई सेट रखा है, ओके, टेबल्स फॉर्मेट में है, इसका भी आप आंसर दीजिएगा, ये देखिए यहाँ तक है। एंड लास्ट के 5th क्वेश्चन हैं आपके 36 से 40 क्वेश्चन, जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हैं, राइट। पेपर्स मैंने इसी के बेसिस पे क्रिएट किया है जिस बेसिस पे एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर लास्ट में इजी सिंप्लीफिकेशन और इजी डी आई सेट डाल देता है, जो बिल्कुल हलवा टाइप होता है, स्टूडेंट्स पहले में कंफ्यूज हो जाता है, आप देख सकते हैं मैंने पहले दिया था आपको रॉन्ग नंबर सीरीज, राइट, स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होगा तो फिर रॉन्ग नंबर सीरीज सॉल्व करेगा, एंड देन उसके बाद जाएगा आपके 5 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक पे, तो अर्थमेटिक सॉल्व करेगा, उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, राइट, इतने सॉल्व करते करते फिर डीआई सॉल्व करेगा, फिर अगेंस्ट आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इतने सॉल्व करते करते स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम वेस्ट हो सकता है। ओके तो आपको कैसे अपना दिमाग वहां पर लगाना है, यह भी यहाँ पर चीज काम करेगी। ओके तो ये था आपका पूरा का पूरा पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। अब बात आती है कि सॉल्यूशंस कहाँ मिलेगा, इसका सॉल्यूशंस कैसे करें। देखिए आज है आपका शुक्रवार, जहाँ पर पेपर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, राइट, आज है आपका शुक्रवार और डेट्स हो गई आपकी 24th of July, राइट, 24th of July, राइट, राइट, आपके पास 2 दिन, यानी कि आपके पास आज का दिन शुक्रवार यानी कि फ्राइडे का दिन है, राइट, एंड सैटरडे का दिन आपके पास रहेगा, एंड संडे को मैं इसका आपको सॉल्यूशंस का वीडियो दे दूंगा, राइट, सॉल्यूशंस का वीडियो दे दूंगा, आपको सॉल्यूशंस वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो क्वेश्चंस पर डाउट्स लगे वो क्वेश्चंस इजीली आप देख सकते हैं। बाकी जो मेरे को रेगुलर फॉलो करता है, रेगुलर मेरे वीडियो वॉच करता है, तो उनके तो कोई प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएगी, वह इन पेपर्स को इजीली सॉल्व कर पाएगा। जो मेरे को रेगुलर देखता है, मेरे रेगुलर वीडियोज फॉलो करता है मैथ्स की, राइट, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो यह रही आपकी सॉल्यूशंस की बात, आपके पास 2 दिन है इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सॉल्यूशंस कर सके। मेरी गारंटी है आप चैनल्स पे बने रहिए, कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए, 100% IBPS क्लर्क, PO हो या क्लर्क हो, दोनों का सिलेक्शंस मेरी गारंटी है, अगर आप जो चीज मैं बता रहा हूँ उस चीज को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो। ओके अब बात करते हैं पेपर्स हमको कहाँ से मिलेगा। देखिए पेपर्स का जो PDF है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, वीडियो के अंत में आपके डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से बिल्कुल इजी वे में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स आए, डाउनलोड नहीं हो रहा हो, डाउनलोड के प्रॉब्लम्स आ रही है, पेपर्स नहीं दिख रहा हो, किसी क्वेश्चंस हो सकता है रॉन्ग हो, राइट, हो सकता है कलर टाइप हो गया हो, उसको भी आप टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके तो ये रहा आपका पूरा के पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स, अदरवाइज इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हो सर ये चीज पूछनी है तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने अपलोड किया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, पेपर्स आपको अच्छा लगे शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ओके एंड देन वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, एंड चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें एग्जाम से रिलेटेड। ओके प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स।
ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड अप करते हैं सेशंस को। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।